हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है कुलदीप और आप देख रहे हैं टैग कुलदीप चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में Realme 3 के सिक्योरिटी पैच लेवल जनवरी 2020 के बारे में कि Realme ने क्या क्या अपडेट दिए हैं इस सिक्योरिटी पैच में। तो बहुत इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले एंड नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोग के लिए लेकर आते रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि Realme ने जो है अपना ऑफिशियल अपडेट दे चुका है Realme 3 वाले डिवाइस में। वैसे तो आपको बता दूं कि Realme 3 Pro, Realme 3, Realme 3i एंड Realme C1 में आपको जो अपडेट है 2020 जनवरी का जो पैच लेवल है वो देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा Realme 3 के बारे में जो आपको अपडेट देखने के लिए मिल जाएगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, अपने डिवाइस की सिक्योरिटी में जाकर, अपने डिवाइस के सॉफ्टवेयर अपडेट में जाकर आप देख लीजिएगा कि जो डिवाइस है आपका, यहाँ पे आपको 2 GB का अपडेट देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे कि मैंने जो है अपने डिवाइस को अपडेट कर चुका हूँ, अपडेट के लिए डाल चुका हूँ, 100% हो चुका है, सिर्फ अब मुझे इसको अपडेट करना है। तो फ्रेंड, इसके पहले मैं आपको बता दूँ कि इसको आपको इसमें जो क्या क्या नए फीचर्स देखने के लिए मिलने वाले हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि एंड्रॉइड सिक्योरिटी पेज लेवल जो है ये जनवरी 2020 का आपको इससे मिल जाएगा, और ज़्यादा कोई अपडेट नहीं है इस आपको अपडेट में। 2 GB का अपडेट है, मुझे लग रहा था कि कुछ ज़्यादा इम्प्रूव फीचर्स होने वाले हैं इसमें, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें सिंपली आपको जो है 2 से 3 फीचर्स देखने के लिए मिलेंगे। जैसे आपको मिलेगा इसमें फ्लैश कॉल ऑन। जनरली क्या होगा इससे कि आपका जब भी कॉल आएगा तो बैक में जो फ्लैश वाला जो लाइट है ये आपका ऑन ऑफ करेगा। ये आपको एक इसमें नया फीचर्स मिलने वाला है। सेकंड जो फीचर्स मिलने वाला है आपको, जो डार्क मोड का जो सपोर्ट है, जो आपको यहाँ पर अभी डार्क मोड का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, वो यहाँ पर आपको डार्क मोड का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा। बस ये 2 से 3 फीचर्स ही आपको ऐसे देखने मिलेंगे, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है ये, इसको आप अपडेट कर लीजिएगा। इससे जो आपका डिवाइस है जो बग हो रहे हैं इसमें या हैंग हो रहा होगा, लैग हो रहा होगा, तो वो फिक्स हो जाएंगे और फाइनली काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट हो जाएगा इस डिवाइस को। तो मैं इसको अपडेट करने के बाद आपको बताऊँगा कि कैसा चल रहा है ये डिवाइस और क्या कैसे फीचर्स ऐड हुए हैं। ओके फ्रेंड्स, तो मैं इसको चलिए अपडेट कर लेता हूँ। सो फ्रेंड्स, फाइनली मेरा जो डिवाइस वो अपडेट हो चुका है, और अपडेट के बाद देखूंगा मैं कि इसमें क्या इंप्रूवमेंट मुझे देखने के लिए मिला है। तो सबसे पहले मैं चेक करता हूँ इसके अपडेट के बारे में, बता दूँ आपको कि अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है। इसके आप देख पा रहे हैं कि मेरा जो डिवाइस है ये फाइनली डिटेक्ट हो रहा है और ये अपडेट हो चुका है। दिस इज़ ऑलरेडी द लेटेस्ट वर्जन कलर ओएस 6। मतलब मेरा डिवाइस जो 2 GB का था अपडेट हो चुका है, और इसमें जो फीचर्स मुझे देखने वाला था, मिलने वाला था, वो फाइनली एक ही फीचर्स मुझे अच्छा लगा, इसका डार्क मोड। ये मैं इनेबल कर लेता हूँ, ये फाइनली इनेबल हो चुका है। और एक जो फीचर्स मैंने आपको बताया था कि जो फ्लैश लाइटिंग वाला जो ऑप्शन है वो आपको मिल जाएगा, अगर आप किसी को भी कॉल करते हैं, आपको इनकमिंग कॉल आती है तो इनकमिंग कॉल में आप फ्लैश नोटिफिकेशन, आपका जो फ्लैश लाइट है ये आपका ऑन हो जाएगा। मुझे तो फाइनली इसमें 2 से 3 फीचर्स ही देखने के लिए मिले हैं, लेकिन हाँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको इसके अंदर और कौन कौन से नए फीचर्स देखने के लिए मिले हैं एंड अपडेट के बाद ये कैसा हो गया है डिवाइस। तो फाइनली आप इसके बारे में, मुझे उम्मीद है कि आप इसके कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएंगे इसके बारे में कि डिवाइस कैसा हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।